सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में प्रिंट कैसे लेते हैं। ठीक है, गूगल डॉक्स के ऊपर इससे पहले करीब 30 टॉपिक्स में कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो प्रिंट अगर हमें लेना है तो हमको चलना है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ देखिए हमें प्रिंट का आइकन यहाँ पर मिलता है। ये रहा प्रिंट का आइकन, इस पर क्लिक करके आप प्रिंट का विंडो ओपन कर सकते हैं, या फिर इसके जस्ट ऊपर फाइल का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करिए। नीचे हमको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको सबसे नीचे मिलता है प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके आप प्रिंट का विंडो ओपन कर सकते हैं, या फिर ये देखिए शॉर्टकट की भी दी हुई है, Ctrl+P। ये वही शॉर्टकट की है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम प्रिंटर ओपन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए Ctrl+P प्रेस करते हैं तो ये देखिए प्रिंट का विंडो ओपन हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन दे रहा है, यानी कि कौन सा प्रिंटर आपको सेलेक्ट करना है। इसे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे कंप्यूटर में कोई प्रिंटर नहीं है इसलिए प्रिंटर यहां पर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पेजेस आप यहां से कर सकते हैं, मतलब सारे चाहिए या कस्टमाइज चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये सारे पेज चाहिए या फिर किस पेज तक चाहिए कस्टमाइज कर सकते हैं आप। कलर डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए या कलर में चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोर सेटिंग भी देख लेते हैं। मोर सेटिंग पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ देखिए पेपर साइज दिखा रहा है, पेपर मतलब शीट दिखा रहा है, मतलब कितनी शीट चाहिए आपको पर पेज कितनी शीट चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। मार्जिन आप सेट कर सकते हैं, स्केल सेट कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो डिफॉल्ट ही रहने दीजिएगा। ठीक है, बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे क्लिक करके भी आप, मतलब ग्राफिक्स अगर कुछ है तो बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद प्रिंटर पे क्लिक करते ही आपका जो प्रिंटर है वो प्रिंट शो कर देगा, मतलब प्रिंट उससे निकाल देगा। ठीक है।